पोस्टर देखा था, उसके थ्रू मैं इस सिलाई सेंटर पे एंटर करने आया हूँ। मैं गली नंबर 8 में रहती हूँ और मैं ऐसे ही सिलाई सीखने का मेरा पर्पस था, मेरा शौक है, एक हॉबी है मेरी, जो मैं इधर उधर देखी कुछ ही करी, फिर मैंने यहाँ आई वो ऐसा आ रही थी का कोड लगा हुआ देखा, फिर मैंने इनसे बातचीत की तो इन्होंने मेरे को ज्वाइन करवा लिया, क्योंकि ये लेडीजों के लिए ही है, लेडीज हो गर्ल्स हो। और इधर का नेचर भी बहुत अच्छा है मैम का, और उसके बाद मैंने सिलाई सीखना स्टार्ट किया। बहुत अच्छे तरीके से सिलाई सिखाई जाती है, और इसमें ऐसा नहीं है कि सिलाई के अलावा और भी इधर पे सारे हेल्पिंग जो भी आप लेना चाहें वुमेंस वो सारे हेल्प ले सकते हैं। और मुझे यहाँ आते हुए 3 महीने हो गए, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा है और आगे भी मैं बहुत मतलब इसी से जुड़ी रहूँगी, आगे भी मैं अच्छा करने की कोशिश करूँगी। ये भी बहुत अच्छे से हमको यहाँ सब चीज़ सिखाते हैं, और कोई भी लेडीज़ कोई भी गर्ल्स कोई भी हो, यहाँ सारी चीज़ों की सुविधा दी जाती है। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगता है, कोई पैसे नहीं लिए जाते यहाँ, और यहाँ हम पूरी तरीके से सेफ है, घर पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है और कोई भी इससे जुड़ सकती है, लेडीज हो गर्ल्स हो। और यहाँ कोई पढ़ाई करना चाहती हूँ, मैं पढ़ाई के साथ सिलाई भी करना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे आई मैम के पास, मैम को बताया, मैम ने मेरा बोर्ड स्टार्ट किया, फिर पढ़ाई के साथ मेरा फार्म होता है क्लास का, मेरी मम्मी नहीं है। मैंने अभी एक एनजीओ खोला है फरवरी में, इसमें मैं अपनी बहनों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं महसूस करती हूँ कि हम कहीं ना कहीं पीछे रह गए, चाहे हम पढ़े लिखे हों, चाहे हम धंधे काम कर रहे हों, कहीं ना कहीं हमें ये कह के चक्कर आगे रहता है कि आप ये नहीं कर सकते, जब आप करती क्या। ये सोच मुझे बहुत मेरे पाई और हार्डली मुझे फील होती है, इसलिए मैंने ये एनजीओ खोला। मैं जहाँ पे जरूरतमंद की मदद करूँगी, हर टाइप की मदद करेंगे, चाहे एक फाइनेंशियल कम करेंगे, वैसे हम उसको अपने पैरों पर स्टैब्लिश होने के लिए पूरी मदद करेंगे, हम कपड़े सिखाएंगे उनको। यहाँ पे मैं प्रेसिडेंट हूँ और मेरा नाम साधना सिंह है। मैं यहाँ इस पहले भी एक एनजीओ में काम करती थी, 3 साल काम किया वहाँ पे, महिलाओं के लिए वहाँ पे भी काम करती थी, लड़कियों के लिए काम करती थी। यहाँ पे भी मैंने ना ये सोच लेकर आई हूँ कि ना मुझे बहुत अच्छा लड़कियों के लिए महिलाओं के लिए कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आज हमारी बहन है कितनी परेशान है, इन लोगों को परेशानी होती है कि हम है इस लाइफ को, हमें करना चाहिए उनकी मदद, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो यही सोच लेकर मैं यहाँ प्रेसिडेंट बनी, और जो महिलाएं लड़कियाँ वो सिलाई सीख रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, यहाँ पे 8-5 लड़कियाँ हैं जो है ना 8 क्लास का फॉर्म भर पाया है, उनको हम। मेरा नाम रंजीत कौर है, और जो यहाँ की एस आर जी की ऑनर है सरबजीत जी, वो मुझे एक कॉमन आर की पार्टी में मिली थी। मैं वैसे प्रोफेशनली टीचर हूँ, टीचिंग करती हूँ, फिर उन्होंने जब अपने एम के बारे में बताया कि मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं भी ऐसा कुछ करना चाहती थी। उसके बाद फिर हमने सोच के समझ के कुछ स्टेप उठाए, और ये अभी लास्ट जनवरी ये फैसले हमने SRJ फाउंडेशन को स्टार्ट किया। तब से साथ के साथ काम कर रही हूँ मैं, और ऑफिशियल वर्क सारा मैं देखती हूँ। जो नीडी गर्ल्स वुमेन्स जो भी हमारे पास आते हैं, हम उनकी मेंटली या उनका मोरल सपोर्ट या फाइनेंशली जितनी उनसे हो सकती है हम पूरी फुलफिश उनकी सिलाई के साथ में या पढ़ाई के साथ। मेरा नाम कविता सिन्हा है, मैं उनके पास सिलाई सीखने के लिए आती हूँ, और बहुत अच्छा सिखाती है हमको, एक एक चीज समझा के ऐसे बताती है, तो हम ना अच्छे से सिल सकते हैं उसको, हम पे आता नहीं है फिर भी हम अच्छे से सिल सकते हैं। मेरा नाम रजनी महावर, मैं यहाँ पर पढ़ाई भी करती हूँ, सिलाई भी करती हूँ, एंड टीजी ने मेरे को सब कुछ सिखाया है। मेरा नाम बिमलेश गर्ग है, और मैं यहाँ काफ़ी दिन से आती हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा, मुझे मशीन नहीं आती थी लेकिन यहाँ मशीन सीखी है और सिलाई भी सीखी। मेरा नाम मीना देवी है, और मैं यहाँ सिलाई सीखने आती हूँ। मेरा नाम सरोज मीना है, मैं यहाँ सिलाई सीखने आती हूँ। मुझमे कैद है जाने कितनी आज़ादी है, आज़ादियों में भी कितनी कैद हूँ मैं। नारी शक्ति।